शायद आपका मजाक किरकिरा हो जाए, क्योंकि उस दिन कुछ टूरिज्म शहर में कैसे रहने वाला है पूरा महीने की अगर प्योर वेजिटेरियन, ठीक हो गया दोनों ही। हे गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अप्रैल आ गया और अप्रैल में क्या होटल रेट्स रहने वाले हैं, वेदर कैसा रहेगा, शहर में टूरिज्म कैसा रहेगा, और साथ ही साथ दिन में किस तरीके का वेदर रहेगा, शाम को कैसा रहेगा, बाकी बीच में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है कि अगर आप आते हैं और फंस जाते हैं, तो आज इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉल रोड की शुरुआत में हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिज्म शहर में कैसे रहने वाला है पूरा महीने की अगर बात करते हैं। देखो, वीकेंड्स पे अगर खासकर आप नैनीताल शहर आने का प्लान बना रहे हो, और उसके बाद बहुत से व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो नैनीताल आने के बाद कैची धाम आने का प्लान करते हैं, लाइक वीकेंड्स पे खासकर फ्राइडे सैटरडे संडे। यहाँ पर तगड़ा सीजन रहेगा पूरे अप्रैल में भाई, अगर आप वीकेंड्स पे खासकर आते हो और आप थोड़ा बहुत भी ये भीड़ को अवॉइड करना चाह रहे हो, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टिल थर्सडे तक भी आ जाते हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको कम भीड़ मिलेगा। नहीं तो भाई यहाँ पर दबा के टूरिस्ट आने वाला है अप्रैल में, एक अनुमान लगाया गया है। लोग ऑनलाइन बुकिंग अभी से करवा रहे हैं अपने होटल्स की। तो अगर आप लोग भाई सोच रहे हो नैनीताल शहर ये अप्रैल में आने का, तो भाई वीकेंड्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी वीकेंड पर कि आप आते हो फंस जाते हो परेशान हो गए, लेकिन बहुत से व्यूवर्स ऐसे होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं भीड़ को, तो प्लीज़ वीकेंड्स को थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो ऑफ डेज में आप आ सकते हो। लोग ना चिंतित रहते हैं भाई वेदर को लेकर, हम लोग आते हैं कहीं बारिश ना पड़ जाए, कहीं हम फंस ना जाए, क्योंकि हिल स्टेशन में आना मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बारिश। तो क्या अप्रैल में इस तरीके का कोई सीन रहने वाला है? देखो, अगर मौसम विभाग की मानो ना, पूरे अप्रैल में करीब जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी जा रहा है वो 26-27 डिग्री के आसपास तक जा रहा है, और इवनिंग में जो रेगुलर टेम्परेचर रह रहा है वो 10, 9, 8 या 11 इस टाइप का पूरे महीने भर रहने वाला है। तो दिन में करीब 25-26 डिग्री के आसपास, और इवनिंग में वही 10, 9 या 11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। और बारिश तो अभी मौसम विभाग ने ऐसा कुछ बता नहीं रखा है कि अप्रैल में बारिश पड़ने की कोई भी संभावना है। बाकी नैनीताल का मौसम थोड़ा सा ना बदनाम है पलटी मारने के लिए, अगर बीच में बारिश पड़ जाती है तो वो कुछ मतलब अलग बात होगी, लेकिन ऐसा कोई मेजर नहीं है रेनफॉल होगा। अगर आप आते हो तो आपको ज़्यादा गर्म कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक स्वेटर ज़रूर कैरी कर लेना, क्योंकि शाम को थोड़ी सी पहाड़ी इलाका है तो ठंड हो जाता है। अभी तो मैं फुटपाथ बाज़ार में घूम रहा हूँ, यहाँ पर सस्ते कपड़े मिल जाते हैं ना, तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, लाइक आप टी शर्ट शर्ट वर्ट पहन के आ गए हो और आप गर्म कपड़े अपने साथ नहीं मतलब कैरी नहीं करना चाह रहे हो कि इतना भारी भरकम कपड़े कौन लेकर आएगा, तो आप ये मार्केट जो है ये मल्लीताल वाले एरिया में ये 4 बजे से 8 बजे तक लगती है शाम को, तो आप यहाँ से भी कपड़े खरीद सकते हो बड़े सही सही 200-100 रुपये में, मतलब इस टाइप के कपड़े मिल जाते हैं ये ऐसे ही चार पाई पे दिख रहे होगे। तो एक चीज़ ये भी है, अगर आप ज़्यादा कपड़े वपड़े कैरी करके नहीं लाना चाहते हो, गर्म कपड़े में करूँ वुलन एंड ऑल, और अचानक से यहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है, तो ये एक बाज़ार एक ऑप्शन है, आप कपड़े खरीद कर लेके, देखो सामने 200 रुपये सेल रखा है, अभी 100 रुपये सेल, इस टाइप की मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं गर्म कपड़ों के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का रहता है वो होता है होटल रेट्स के रिगार्डिंग, क्या यहाँ पर सस्ते रेट में होटल मिल पाएगा, हमें रूम ईजिली मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेंगे सस्ते होटल या अच्छे होटल किस एरिए में है? देखो, अब जो अप्रैल में यहाँ पर होटल रेट्स रहेंगे वो अराउंड, क्योंकि अब तो सीज़न लग गया है ना, यहाँ पर सीज़न एंड ऑफ सीज़न वाला सीन रहता है। सीज़न में अगर होटल रेट की बात करते हैं तो 2000 रुपये से शुरुआत होती है, फिर अप टू 2000 रुपये से फिर 3000, 4000, 5000, मतलब वो तो जितना आप अच्छा होटल ढूंढोगे वो रेट्स उतने ज़्यादा ही महंगे होते जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई 2000 से कम रेट में कहीं होटल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है कि सस्ते होटल कहाँ पर मिलते हैं, तो वो वीडियो देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें ही बता दूँ, आप मॉल रोड में सस्ते होटल ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, मॉल रोड से आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, या तो आप तल्लीताल वाले एरिए की तरफ को चले जाओ या मल्लीताल वाले एरिए की अंदर आप चले जाओगे ना, तो आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, वो जो बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये पूरा बैंडस्टैंड वाला एरिया है, यहाँ पर अभी सीजन में बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक भी होगा, लेकिन अभी एक महीने बाद, फिलहाल अभी मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है, शाम के करीब इस वक्त 6 बज रहे हैं, बाकी कुछ मछलियाँ सामने ही हमें टूलती हुई दिख रही हैं, जो कि शायद ये बिस्किट्स खा रही हैं इस वक्त, यहाँ पर टूरिस्ट इनको सब खिलाते हैं ना, ब्रेड बिस्किट पकौड़े सब खाती हैं, ये हाइब्रिड मछलियाँ हैं। तो यहाँ से हम बाहर को चलते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप सभी को पता होना ज़रूरी है,
अप्रैल में 19 तारीख को, 19 अप्रैल को आप अगर नैनीताल शहर आते हो तो शहर पूरा क्लोज होने वाला है, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पर है इलेक्शन, वोटिंग डे होगा, तो उस दिन पूरा शहर क्लोज रहेगा। तो अगर आप 19 अप्रैल को नैनीताल शहर पहुँचते हो तो भाई देख लेना, शायद आपका मजाक किरकिरा हो जाए, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं होने वाला है। नैनीताल शहर में उस दिन होंगे इलेक्शन, वोटिंग डे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद आता है, लोग ढूंढते हैं सस्ता खाना, मतलब रीजनेबल रेट पे नैनीताल शहर में कहाँ पर खाना सही मिल जाता है, मतलब जेन्यून खाने की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ से सीधे मॉल रोड शुरू हो जाती है भाई, यहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं भाई, यहाँ भी अच्छा खाना मिलता है, बट मैं पर्सनली कौन सी जगह को प्रेफर करता हूँ, अभी हम चलते हैं सीधे हेरिटेज मार्केट की तरफ को, वहाँ पर कुछ अच्छे जेन्यून रेस्टोरेंट हैं जो सही रेट पर अच्छा खाना देते हैं। आगे तक तो ये मॉल रोड है और यहाँ पर इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट प्लस होटल सभी होंगे, तो हम सीधे आगे नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं हेरिटेज मार्केट की तरफ को। अभी क्या है, देखो ये बैरिकेडिंग लग गई है, शाम के 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर कोई कार अलाउड नहीं रहती है। लोअर मॉल रोड जो है यहाँ पर से तो कार्स आ सकती हैं और बाइक्स आ सकती हैं, बट अपर मॉल रोड घूमने के लिए रहती है, तो आप लोग आओगे तो मस्त 6 बजे से 8 बजे तक ज़रूर निकलना, बेफिक्र होकर पूरा मॉल रोड घूम पाओगे। तो हम चल रहे हैं सीधे यहाँ से बड़ा बाजार या हेरिटेज मार्केट की तरफ को, ये यहीं से आगे को जाता है, यहाँ से तो फुटपाथ बाजार हो गया, इससे थोड़ी देर पहले हम इसी एरिए में थे, अब हम जा रहे हैं इस वाली रोड से आगे को जो कि हेरिटेज मार्केट तक जाती है। थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है ये रूट बंद करने की वजह से, ये हो ही जाता है, और वैसे भी इस टाइप का जो क्राउड अभी दिख रहा है ये न्यू नॉर्मल रहेगा पूरा अप्रैल में, अगर आने का आप लोग प्लान कर रहे होगे ना तो इसी टाइप का माहौल मिलने वाला है पूरे अप्रैल में। बाकी इसके अलावा और ज़्यादा क्राउड होगा आने वाले दिनों में, यार मैं ये रूट क्रॉस करनी है थोड़ा सा। आ गए हम हेरिटेज मार्केट या बड़ा बाजार, 1845 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो हेरिटेज मार्केट या बड़ा बाजार इसी वजह से इसका नाम है, काफ़ी पुरानी मार्केट है। सो वैसे तो लोकल लोकल सामान काफ़ी मिलता है, आप लीक साइड हो गए ना तो वहाँ पर अलग तरीके का सामान मिलेगा, ये तो पूरी बाज़ार ही है। और बाकी रेस्टोरेंट की जो मैं बात कर रहा था, अभी एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाके कोई मेन्यू नहीं दिखाने वाला हूँ, जो मोटे मोटे जो नाम है, लाइक यहाँ पर 4-5 रेस्टोरेंट है, नीगी रेस्टोरेंट है, अनुपम रेस्टोरेंट है, 2 शिवा रेस्टोरेंट है, 1 प्रताप रेस्टोरेंट है पूरी मार्केट में, तो आप चूज़ कर लेना खुद अंदर जाके जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। एक तो सामने रहा नेगी रेस्टोरेंट, ये पूरा वेज है। बाकी यहाँ से हम चलेंगे अब आगे, तो ये है खड़ी बाज़ार, ये हो गई खड़ी बाज़ार जो नीचे को जा रही है, और ये मतलब मेन बड़ा बाज़ार है, हेरिटेज मार्केट, दोनों कुछ भी बोलो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से आगे को जाके आप पढ़ते हैं 2 रेस्टोरेंट, पहला एक है सरस्वती, भी दिखा देता हूँ, तो ये रहा सरस्वती। बाकी इंडियन, साउथ इंडियन स्वीट्स, स्नैक्स यहाँ पर सब मिलते हैं। देखो समोसे अगर खाने तो भाई यहीं आना पड़ेगा, तो समोसों के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। इसके बाद थोड़ा आगे को चलते हैं, मतलब समोसे हो गए, टिक्की होगी, चाउमीन हो गया, मोमोज तो सरस्वती में खा सकते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे को चल के ही, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम पहले वेज दिखा दें, तो शिवा रेस्टोरेंट आ जाता है। तो सामने 2 शिवा रेस्टोरेंट दिख रहे होंगे, एक के बगल में एक, दोनों ही हैं, दोनों में से किसी में भी घुस जाना है यार। देखो शिवा रेस्टोरेंट में खा सकते हो कुमाऊनी थाली, बहुत सही होती है अगर आपको उत्तराखंडी फूड खाना है। देखो दोनों शिवा रेस्टोरेंट हो गए, एक ये और एक ये, अगर आप नॉनवेज खाना है तो भाई ये रहा अनुपम रेस्टोरेंट, ठीक हो गया। ये भी 1938 इंडियन चाइनीज़ कुमाऊनी क्यूजींस, ये नॉनवेज के लिए, बाकी प्योर वेजिटेरियन, ठीक हो गया। दोनों ही, ये दोनों ही देख लेना भाई, दोनों में से जो आप प्रेफर करते हो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ये जितने भी मैं रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ ना, ये मॉल रोड के मुकाबले थोड़े से इनके रेट्स कम होंगे, मतलब मॉल रोड तो भाई बिल्कुल मॉल रोड है, आपको मतलब लेक व्यू के साथ अगर खाना ना खाना है तो, और मॉल रोड में भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ नहीं खा के इधर ही खाओ, आप जहाँ चाहो वहाँ खा लेना, बट आप सस्ते होटल, मतलब सस्ते रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँगा तो सस्ते होटल भी इसी रेट, इसी एरिया में आगे को जाके मिलेंगे, और सही रेट पे खाना खाना है तो ये वाले सारे जितने रेस्टोरेंट दिखाए हैं। मैंने पूरी अपडेट दे दी है अप्रैल में क्या सीन रहने वाला है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो फिर टेक्स्ट कर देना, और कोशिश करेंगे हम बातचीत करके आपके सवालों के जवाब दें और जो भी क्वेरी होगी उसको हल करने की। बाकी शाम ढल गई है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, वही अप्रैल में वही दिन में गर्मी रहने वाली है, शाम को ठंडा रहेगा, तो काइंडली ब्रिंग एक स्वेटर ज़रूर लेकर आना, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।